अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 18.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 और इसका इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। चलें फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में हमारे पास केस इस तरह है कि हमें ये वैल्यू दी हुई है और कहा गया इसे सिंप्लीफाई करके इस तरह की फॉर्म में लेकर आए। बहुत सिंपल है, इसमें तो थ्योरम्स भी इतने अप्लाई नहीं होंगे। आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको रेशो है तो आपको पता डिवीजन आ जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, और फिर यहाँ पर ए सी माइनस बी डी, और फ्रैक्शन में ए सी प्लस बी डी लिखेंगे। ठीक, इन दोनों में कॉमन कुछ आ रहा हो तो निकाल लेंगे। चलें फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करके ये लेकर आना है हमें। तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या होगा थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, पिछली वीडियो में भी हम कर चुके हैं। इसको ऊपर ले जाएंगे प्लस के साइन के साथ और नीचे लिखेंगे माइनस के साइन के साथ। अच्छा, माइनस के साइन के साथ लिखना, तो माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस इस तरह लिखते हैं। स्टेप एक कम कर रही हूँ मैं, और यहाँ पर इसके साथ भी ऐसे ही करेंगे प्लस के साइन के साथ, नीचे वाली वैल्यू को, और एक बार माइनस के साइन के साथ जो है हम इसे मेंशन कर देंगे, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, फिर सॉल्यूशन करेंगे कुछ कट रहा है। हाँ, माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस 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 टू ए स्क्वायर आ जाएगा। आपको पता है यहाँ यहाँ से ऐड करते हैं अलजेब्रा, और माइनस माइनस यहाँ भी टू बी स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन यहाँ जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा माइनस में। सही है, इसी तरह यहाँ पर ये माइनस प्लस ये कैंसिल हो रहा है और ये आएगा प्लस ए टू ए सी, प्लस मैंशन नहीं करते, टू ए सी, और यहाँ पर कैंसिल हुआ ये तो आएगा माइनस टू बी डी। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, टू से टू कैंसिल हो रहा है, यहाँ टू से टू कैंसिल हो रहा है। ओके, वैसे तो आप यहाँ से भी कैंसिलेशन कर सकते हैं ए सी स्क्वायर, लेकिन आपको पता है कि आप ए को आपको कैंसिल करना, तो आप ए यहाँ नीचे ले जाएं, बी ऊपर ले जाएं, अदरवाइज सामने से कैंसिलेशन हो सकती है। स्क्वायर से ए कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी दो थे बी तो स्क्वायर था, तो यहाँ बी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच्चा सिर्फ आपके पास ए अपॉन बी और यहाँ बच्चा सी और डी, जो कि आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन थी। इसको इस फॉर्म में लिख दें आप, तो आपका जो है वो आंसर आ गया है। ठीक है, अब ये उसी क्वेश्चन का पार्ट टू है, थोड़ा सा लेंथी है पर बहुत सिंपल है। बाय थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो और डिविडेंडो आप अप्लाई करेंगे, स्पेल पूरा नहीं लिख रही हूँ मैं, वीडियो से पीछे से देख लीजिएगा कैसे अप्लाई करेंगे, कि ये पूरा लिखेंगे आप ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और ये लिख देंगे इसके साथ प्लस में। ओके, इसी तरह यहाँ क्या करेंगे आप, ए ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, फिर ये लिख देंगे प्लस में। ओके, फिर इस तरह नीचे भी यही करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ऐसे ही लिखेंगे, माइनस का साइन है ना, तो चलिए अप्लाई करके दिखा दें माइनस ना, एक बार ऐसे ही लिख दें ताकि माइनस का साइन सॉल्व करके आप लोग दिखा सकें। यहां भी ऐसे ही करना है, ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी इसे लिखना है, फिर माइनस का साइन दिखाना है, फिर ब्रैकेट क्लोज करना है। ओके, इस तरह का होगा आपके पास फॉर्म ना। चल अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को तो आप ऐसे ही रहने दें क्योंकि इसमें तो कोई डिफरेंस आया नहीं है। ये गंदा लग रहा है, थोड़ा सा नीचे लिख करके लिखती हूँ। ऊपर वाली वैल्यू को आप ऐसे ही रहने दें क्योंकि इस वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आया है। नीचे वाली वैल्यू आप साइन चेंज करें,
वो भी ब्रैकेट से पहले वाली का नहीं, ब्रैकेट से बाद वाली का। माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस 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 प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। इस साइड भी इसी तरह करें, ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, ये तो ऐसे लिख दिया आपने। अब नीचे वाली वैल्यू में ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी माइनस प्लस माइनस 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 प्लस बी माइनस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस सी माइनस प्लस माइनस डी, इस तरह आ गया, ब्रैकेट सॉरी नहीं है। ओके अब चेक करें कुछ सॉल्व हो रहा है, ये तो सारे जो हैं कुछ सॉल्यूशन हो रहे हैं। जैसे क्या क्या सॉल्व हो रहा है, माइनस का सी प्लस के सी से कैंसिल हो रहा है, माइनस का डी प्लस के डी से कैंसिल हो रहा है, ठीक है अभी तक तो यही हो रहा है। इसी तरह ए माइनस का कैंसिल हो रहा है, ये बी कैंसिल हो रहा है, सही है ठीक है। यहां से चेक कर लेते हैं, ये माइनस का बी, ये माइनस का नहीं नहीं ये नहीं कैंसिल हो रहा, सॉरी ये नहीं कैंसिल हो रहा, ए और माइनस का ए कैंसिल हो रहा है, ये है प्लस का सी और माइनस का सी कैंसिल हो रहा है। ओके यहाँ पे माइनस का बी प्लस का बी कैंसिल हो रहा है और प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल हो रहा है। अच्छा थोड़ा सा कचरा लग रहा होगा, मैं इसको यहाँ पर आपको सेट करके लिख कर दिखा देती हूँ कि क्या क्या बच रहा है। यहाँ पर बच रहा है ए प्लस बी, ए प्लस बी इस तरह, ठीक है। यहाँ पे ए प्लस बी बच रहा है और नीचे क्या बच रहा है, सी प्लस डी और सी, ये देखेंगे ये वाला सी प्लस डी और ये वाला सी प्लस डी, तो आप ऐसे ही लिखते हैं सी प्लस डी और सी प्लस डी। ओके यहाँ पे क्या बच रहा है, बी तो कैंसिल नहीं हुआ था ना, तो यहाँ बच रहा है ये माइनस का बी और ये माइनस का बी और ये माइनस का डी, माइनस का डी नहीं, क्या बच रहा है यहाँ पर, यहाँ ना ए कैंसिल नहीं हुआ है क्योंकि ए ना प्लस में था, ये देखिए प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा यहाँ भी प्लस होगा, तो यहाँ पर जो हमारे पास कैंसिल हुआ है ना वो हुआ है सी डी, तो हमारे पास एक दो ए बच रहे हैं ठीक है और माइनस के दो बी बचे हैं। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, साइन बिल्कुल सही है बस कैंसिलेशन में प्रॉब्लम हुआ है। और यहाँ पर बच रहा है देखें एक सी ये एक सी ये, इसी तरह एक माइनस का डी ये एक माइनस का डी, आप तो कंफ्यूजन नहीं। ऊपर जो है ना ए प्लस का है, ये भी प्लस ए का है इसलिए बचा है, और ये माइनस का बी है सेम साइन है इसलिए। अब क्या करें, इसको ऐड कर दें, सेम ऐड हो रहे हैं, टू ए प्लस टू बी हो जाएगा ये और टू सी प्लस टू डी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह टू ए माइनस टू बी हो जाएगा ये और टू सी माइनस टू डी हो जाएगा। ओके अब इसमें क्या कॉमन निकल रहा है, टू कॉमन निकल रहा है तो बचा ए प्लस बी, इसमें क्या कॉमन निकल रहा है टू, इधर ही बचा सी प्लस डी, यहाँ पर भी टू कॉमन है ए माइनस बी और यहाँ पर टू कॉमन है सी माइनस डी, टू टू कैंसिल हो रहे हैं बाकी कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, और इस तरह की फॉर्म नहीं बनी है अभी हमारे पास। तो हम क्या करेंगे कि ए अब क्या हल है, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के सिंपल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ए प्लस बी यहाँ पर है, ये सी माइनस डी यहाँ पर आ जाएगा, इसी तरह ए माइनस बी यहाँ पर है और सी प्लस डी वहां चला जाएगा, कोई फॉर्मूला एप्लीकेशन नहीं हो रहा। यहाँ तक इस फॉर्म तक हमने पीछे कर लिया था, अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए सी जा ए सी और फिर ए डी जा ए डी प्लस माइनस माइनस बी सी जा बी सी बी डी जा बी डी प्लस माइनस माइनस, इस तरह ए सी जा ए सी ए डी जा ए डी प्लस, ये जो है हमारा माइनस का है ए, सही है, ए सी जा ए सी ए डी जा ए डी माइनस प्लस माइनस बी सी माइनस प्लस माइनस बी डी। अब क्या कैंसिल हो रहा है, अगर हम देखें सेम साइन कैंसिल हो सकते हैं बिल्कुल, तो आपके पास कैंसिल हो रहा है ये ए सी और साथ में ये बी जी और बी जी, तो आपके पास इस साइड बची क्या वैल्यू बची, इस साइड बचा आपके पास ए जी ठीक है और बी सी, उस साइड बचा आपके पास माइनस बी सी और प्लस ई डी, तो आप ई जी को इस तरफ ले जाएं बी सी को उस तरफ ले जाएं, तो दोनों बी सी तरफ हो गए, तो माइनस बी सी माइनस बी सी तो ये हो जाएगा माइनस टू बी सी, इसी तरह ये ई डी जो है माइनस का तो पहले से था ये यहाँ के माइनस का हो गया तो हो जाएगा माइनस टू ए जी। ओके माइनस कैंसिल टू कैंसिल,
तो आपके पास बचा ए डी अपॉन बी सी, और आपको जो रेशो चाहिए वो चाहिए इस तरह ए बी और सी डी। तो आपने क्या किया, डी को आप यहाँ लेगा और बी को यहाँ, और आपने इसको आंसर जो है जो उन्होंने मांगा था रिक्वायर्ड आंसर आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया है और उसका पार्ट 2 किया है। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, 4 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। रूल्स वही हैं कि हमें थ्योरम्स लगाने होंगे डिफरेंट कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो, इसको भी ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। पूरा एक्सरसाइज थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो की बेस पे थी। अच्छा कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे को बता ना ए रेशो बी होता है और सी रेशो डी होता है, तो इस वक्त ये जो है ना वो ए है, ये जो है वो बी है, ये सी है और ये डी है। तो अपना वो फॉर्मूला लगाएंगे जो हम लगाते हैं, प्लस में लिखने वाला, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लेकिन प्रॉब्लम नहीं है। पूरा यही कॉपी किया हमने और एक बार लगा दिया प्लस का साइन, फिर नीचे वाली वैल्यू उठाकर ऊपर लिख दी एज इट इज। सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे भी एज इट इज यही छापा, ऊपर से देखकर छाप लें और यहां लगा दिया माइनस का साइन। अब जब यहां माइनस का साइन आएगा तो इसका मतलब इसके बाद वाली वैल्यू में भी जो है वो माइनस का साइन आएगा। यहां माइनस का साइन आया ना अगर एक्स प्लस थ्री, तो माइनस का साइन नहीं आएगा मतलब मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस होगा। मतलब इस वाली दोनों वैल्यू का मैंने यहाँ साइन चेंज कर दिया, यहाँ प्लस था माइनस था ना, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ गया। ओके अब यहाँ आएगा 4 + 5 क्योंकि ऊपर प्लस लिखते हैं, और 4 - 5। ओके यहाँ मैंने अप्लाई क्या किया है, थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ओके अच्छा कुछ सॉल्व हो रहा है, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, बल्कि सॉरी ये माइनस का नहीं है, ये प्लस का है, सवाल में ये प्लस था, तो इसका मतलब यहाँ ये प्लस का है और यहाँ पर जो है ये माइनस का है। ओके ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, इसी तरह ये प्लस की वैल्यू और ये माइनस की वैल्यू कैंसिल हो रही है। ठीक है अब बच रहे हैं एक एक्स प्लस थ्री और एक एक्स प्लस थ्री, तो ये 1 और 1 2x + 3 हो जाएंगे। इसी तरह माइनस माइनस भी प्लस होता है, तो -2x - 5² हो जाएगा, और यहाँ 4 + 5 9 आया है, और 5 में से 4 गए, माइनस का 1 बचा, ये माइनस का 1 इसे कैंसिल कर देगा। अब हम आगे क्या करें, हमें तो वैल्यू मालूम करनी है ना, तो हम क्या करेंगे, 2 से 2 भी कैंसिल हो चुका है, इसको एक स्क्वायर को जो है ना एक होल में शो करेंगे, एक होल ब्रैकेट में, ताकि हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, नहीं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लेंगे। फिर करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सही है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आंसर आया हमारे पास x + 3x - 5 = 3। 9 का रूट होता है 3। अब क्या करें आप, इस x माइनस फाइव को यहाँ से मल्टीप्लाई करवा दें, x प्लस थ्री ऐसे ही रहेगा, x 3 = 3x - 5 = -15। ओके अब आपको पता है कि यहीं पर कर देती हूँ मैं, ये -15 इस वाली वैल्यू के पास आएगा और ये इस वाली वैल्यू के पास, मतलब जो 3x था अपनी जगह पर है, ये प्लस का x आया माइनस का x हो गया, और ये जो 15 है ये यहाँ माइनस का था तो यहाँ के प्लस का हो गया, तो ये हो गया 18 और यहाँ पे बचा आपके पास 2x। अब आपको पता है x को अकेला करना है, तो आंसर आएगा 18 को आप डिवाइड करवा देंगे 2 से, डिविजन में आ जाएगा यहाँ पर 2 1s और 2 9s, तो ये आंसर हुआ इसका x = 9। बुक में है ना हमें दो आंसर मेंशन किए गए हैं, वजह ये है जब स्क्वायर रूट आप सॉल्व करते हैं तो स्क्वायर रूट अपने साथ दो साइंस देता है। अभी जो मैंने सॉल्व किया वो प्लस थ्री के हिसाब से किया, माइनस थ्री के हिसाब से भी सॉल्व करके देख लेते हैं। अब मैंने माइनस थ्री के साथ एक बार सॉल्व करके दिखाना है ना आपको, तो क्या होगा,
एक्स थ्री जा, तो ये आएगा माइनस थ्री एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस 15 आ जाएगा, और यहाँ पर एक्स प्लस थ्री ही रहेगा। रूल्स वही है कि ये 15 यहाँ पर आएगा, लेकिन चल इसको ले जाते हैं, ये 15 हम जगह पर, ये 3 यहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 3x यहाँ के जमा हो जाएगा 4x। 15 से 3 जाएंगे तो बचेगा 12, और यहाँ x है, और फिर आपसे डिवीजन करवा देंगे, सिंपल अलजेब्रा है, 4 1 जा और 4 3 जा, तो एक्स का एक और आंसर जो आ जाएगा वो 3 आएगा। ये 2x आए आपके पास, दो आंसर्स आए, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना हमारे पास, वो ये है, स्क्वायर रूट देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं है आप लोग को, क्योंकि क्वेश्चन का तरीका बिल्कुल सेम है, पूरी एक्सरसाइज सेम तरीके से हो रही है, बस अलग अलग अलजेब्रिक मेथड अप्लाई हो रहे हैं। इसमें भी क्या करेंगे, थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंजो और डिविडेंडो लगाएंगे आप, थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंजो एंड डिविडेंडो, ओके। फिर क्या करेंगे आप लोग, थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगाने के बाद, बल्कि लगाएं तो फिर बताऊंगी। अच्छा कैसे लगाते हैं, वही एक्स प्लस वन, भाई ये ऊपर वाला जो जो भी कहानी है वो पूरी लिखते हैं, फिर प्लस लिखते हैं, और नीचे वाली कहानी को लिख देते हैं, मतलब रूट एक्स प्लस वन माइनस रूट एक्स माइनस वन, और फिर नीचे भी ऐसे ही करते हैं, पर साइन साइन बदल देते हैं अगले ब्रैकेट की, एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स माइनस वन प्लस नहीं माइनस, माइनस रूट एक्स प्लस वन माइनस माइनस प्लस रूट एक्स माइनस वन, ओके। और आपको पता है यहाँ तो 1 प्लस 2 और 1 माइनस 2, जो लगे लगाए थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो आप लोग कई बार लगा चुके हैं। अब क्या होगा, माइनस का एक्स माइनस वन और प्लस का एक्स माइनस वन कैंसिल, और नीचे से क्या कैंसिल हो रहा है, प्लस का एक्स माइनस ये वाला, प्लस का एक्स प्लस वन और माइनस का एक्स प्लस वन कैंसिल, तो यहाँ पे हमारा बचा वैल्यू क्या बचे हमारे पास, 2x+1 बचे यहाँ पे, और नीचे 2x-1, तो ऐड कर दिया हमने, और यहाँ 1+2 3 है, और ये माइनस वन बचा हुआ है हमारे पास यहाँ पे। जैसे अच्छा हाँ, 2 से 2 कट रहा है, ओके। उसके बाद ये बचा है ना, आप इसको नोटिस करें, जैस एक रूट में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, चलें अगर नहीं भी कर सकते, जैसे हमें स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लगाना होता है, इस तरह स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड भी कर सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अच्छा ये माइनस आप ऊपर ले जाएं कोई मसला नहीं है, आपको बता रहे डिनोमिनेटर में हो या ऊपर हो एक ही बात है, तो आप क्या करें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड या स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। क्या करेंगे भाई, ये रूट एक्स प्लस वन तो लिखा हुआ है, ये रूट एक्स माइनस वन भी लिखा हुआ है, और ये माइनस थ्री भी है, अब इस पर भी स्क्वायरिंग कर देंगे और इस पर भी, इससे स्क्वायर जो है ना दोनों के साथ है, तो ये दोनों के रूट को कैंसिल कर देगा, और यहाँ माइनस कैंसिल जाएगा, आपको पता है स्क्वायर से 4 से इवन पावर से माइनस कैंसिल जाता है, यहाँ 9 आएगा, यहाँ बचा एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, जो एक्स माइनस वन वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 9x-9, और यहाँ बचेगा एक्स प्लस वन, फिर आपको पता है एक्स वाली वैल्यू के साथ करनी होती है, तो 9x को आप यहीं रहने देंगे, प्लस का एक्स यहाँ ले जाकर माइनस का एक्स कर दें, सॉरी नज़र नहीं आ रहा होगा, 9x को यहीं रहने दें, प्लस का एक्स वहाँ जाकर क्या कर दें, माइनस का एक्स कर दें। अब प्लस वन को यही रहने देंगे, माइनस का 9+1 तो लिखना नहीं है, माइनस का 9 यहाँ ले जाकर प्लस का 9 कर दें, तो ये हो जाएगा आपके पास 10, और ये हो जाएगा 8x। अब आगे क्या सोल्यूशन होगा, ओके आगे कोई सोल्यूशन नहीं है, बस 10 है ना आपका, तो ये 8 डिवीजन में लाकर आप कैंसिलेशन कर लें, और ये 2 के टेबल से 4 जा और 5 जा, 2 4 जा और 5 जा, और इससे ज़्यादा जो है अब ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो यहाँ पर हमारा जो है क्वेश्चन हमने किया है ऑल्टरनेंडो और सॉरी ऑल्टरनेंडो बोलो, थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाकर सिर्फ क्या किया है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखा है, जो कैंसिल हो रहा था उसे कैंसिल किया है, फिर स्क्वायरिंग की है, एंड देन सिंपल जैविक तरीके से सॉल्व किया, तो हमारा ये आंसर आ गया। ये हमने क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 किया है, क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 किया है, और क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट और 3 और 4 है ना बिल्कुल इसी तरह के, एक 1 की तरह दिखता है और एक 2 की तरह दिखता है, ठीक है। तो अभी तक तो के लिए तो यहीं पर,
बाकी दो क्वेश्चंस भी जो है हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, ये समझ में आ गया आपको? ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।